आज का लेक्चर कितना बोरिंग था यार। हाँ यार। हाय मनीषा। ए तुम वेले ही रहते हो क्या, काम धंधा नहीं है? इसका पीछा करना ही मेरा काम है। ए उसने बोला ना तुझे पसंद नहीं करती, क्यों बंदर की तरह टपक पड़ता है? मैडम टपक तो तुम रही हो, तुम्हारी गलती नहीं, लड़कियां मुझे देख के फ्लैट हो जाती है। ये पोपट अपने आप को अरुण धवन समझता है, आईने में शक्ल देखी अपनी? वो देखो वैसी शक्लें पीछा करेंगी अच्छा लगेगा या ऐसी शक्ल? सुन ना इसके साथ क्यों टाइम वेस्ट कर रही है, चल। मनीषा 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 अब क्या दिल निकाल के तुम्हारे हाथ में रख दूं? कितनी बार कहना पड़ेगा कि मुझे तेरी बंदर जैसी शक्ल पसंद नहीं है? यार करके तो देखो, धीरे धीरे शक्ल के सब पसंद आएगा। तुम ही बताओ क्या करूं मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें बेताल की तरह कंधे पर उठा के शहर घुमाऊं या फिर मेमने की तरह उठाकर तुम्हें लोनावला के पहाड़ पे ले जाऊं? ए मनीषा ये तुझे बोतल में उतारने की कोशिश कर रहा है, जरा संभल के बताओ ना कैसे प्रूव करूं? प्रूव करना है? हाँ। तो उस चलती ट्रक के सामने कूद जा। क्या हुआ, चक्कर आ गया? बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाते। हवा निकल गई बेचारी। हाँ, और काला चश्मा भी। ए वो तो सीरियस हो गया देख। अरे अरे क्या हो गया, देखो क्या ट्रक के नीचे आ गया। अरे देखो मर तो नहीं गया, कोई अंदर घुसो, बाहर निकालो उसको। मैं जिंदा हूँ। अच्छा अच्छा हद है, बच गया कमीना। जाके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, तमाशा खत्म, चलो अब अपने अपने घर जाओ, बाय बाय। ये तो एक नंबर का पागल है, तूने कूदने को कहा और कूद गया। मनीषा देवदास के खानदान का ही है, मैंने प्रूव कर दिया, पीछा नहीं छोड़ने वाला। अब क्या हुआ, मुंह फेर कर क्यों जा रही हो? क्या लगता है ये सारी हरकतें करके तू मेरा दिल जीत लेगा? अरे कोई असर नहीं होने वाला, तुझे देख के ना मुझे कोई फील नहीं आता है, तू समझ रहा है? मतलब कुछ कुछ भी नहीं होता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर प्रूव करके देखो। प्रूव करूं वो कैसे? हाँ ये जो चकर चकर छप रहा है ना इसके ऊपर चढ़ो और कूद जाओ, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। हाँ? अबे तेरा स्क्रू ढीला है। क्यों क्या हुआ, सिट्टी पिट्टी गुल हो गई ना? ये अच्छा है, लड़कों को प्यार हो तो उन्हें प्रूव करना पड़ता है, तुम लड़कियां जब बोलती हो प्यार नहीं है तो प्रूव नहीं करना पड़ेगा। चलो कूदो और प्रूव करो कि प्यार नहीं है। चल दफा हो। मतलब प्यार करती हो? नहीं करती। 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 करती हो? करती। कर लिया एक्सेप्ट। सुनो चमचियों कल सुबह खाली पेट आना, पार्टी दूंगा। ओके डियर। ए तू मर क्यों नहीं जाता? हाँ कम से कम इस रोज रोज के टॉर्चर से बच तो जाऊंगी। कितनी बार तुझे समझाना पड़ेगा कि मुझे तुझसे प्यार नहीं है? अगर अब मेरे पीछे आया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। ए नीट माल लाए, सौदा भी नहीं लिया? जाओ संभालो इस शराबी को। ए, लड़की छेड़ रहा है, चल निकल यहां से, चल चल। जा रहा हूं जा रहा हूं। पहली फुर्सत में निकल। ए चल हवा दे। एक मिनट बात तो सुनो, एक आखिरी बार मनीषा से मिला तो बस, फिर परेशान नहीं। कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना। उस दिन तेरी बारी थी, आज मेरी बारी, इसलिए अपना मुंह बंद रख, अपना गिफ्ट ले और चुपचाप निकल ले, चल जा। मुझे कुछ नहीं सुनना, रखो यहां से, दफा हो जाओ। क्या देख रहा है तो, जिसके लिए पागल है ना उसने तेरा गिफ्ट खोल के भी नहीं देखा, अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया तुझे, मर नहीं चला था उसके लिए। मेरी बहना के 6-7 बच्चे नहीं है, ये एक चला जाए तो दूसरे के सारे जी लेगी। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में माथा टेका तुझे पाने के लिए, उसने ऐसा क्या मांगा तुझसे? तेरी शादी तो करवाना चाहती है, शादी करके इतनी सी खुशी नहीं दे सकता तू उसे? देख भांजे तेरा यही रवैया रहा ना तो मेरी प्यारी बहना तेरी वजह से ऊपर चली जाएगी। तो तुम ही बताओ क्या करूं। राम जी खुश रखे। बी कॉन्फिडेंट, बरसों से इसी पल का इंतजार था। हे
बधाई हो सुनाज आपको भी। ये लीजिए सर, देखिएगा शादी बहुत धूमधाम से करेंगे हम। आज तेरे को लड़नी की मूवी दिखाता हूँ, तू भी याद रखेगा। ए जल्दी आना। बस अभी गया, अभी आया। अच्छा सुन, तू चाय क्या, हम पहले मिल चुके हैं? लगता है आप मुझे भूल गए, वो हीरोइन बस डिपो कुछ याद आया आपको? अरे तू पहले देसी मुर्गा था, अभी मुर्गा कैसे बन गया भाई? ये चमत्कार हुआ कैसे? वो कहते हैं ना प्यार का वार सबको बेकार कर देता है। अच्छा सरदार प्यार है, साथ में आइए। वो पिक्चर का टिकट निकाल रही है। तू लाइन में क्यों नहीं गया? ऊपर वाले ने गर्लफ्रेंड दी है, कुछ तो यूज होना चाहिए ना। अरे ये तो वही बस स्टॉप वाली मनीषा की दोस्त। हाय। अबे जाना था जापान, पहुंच गए चीन, कैसे लिया ऐसे चीन? याद है आपने मेरा ग्रीटिंग जला दिया था? हाँ याद है, पर उससे हुआ क्या? उस ग्रीटिंग की आग तो बुझ गई, लेकिन बुझते बुझते इसके दिल में प्यार की मोमबत्ती जला गई। अरे बस कर, शर्माते शर्माते धागे ढीले कर देगा, ये काम अंदर अंधेरे में करना। भाई साहब आप तो अकेले आए हो, तो फिर मनीषा कहाँ है? अबे क्यों मजाक कर रहा है मेरे साथ? मजाक मैं नहीं, तुम कर रहे हो। मनीषा भी तो तुमसे उतना ही प्यार करती है, यकीन नहीं है तो इससे पूछ लो। शटर बंद करोगे? ए, सच्ची तो कह रहा हूँ। क्या छुपा रही हूँ मुझसे? बात क्या है मुझे बताओ। कोई बात नहीं है। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं है? तुम मनीषा को तो नहीं बताओगे ना? नहीं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, कसम से। याद है तुम उस दिन ट्रक के आगे कूदे थे? जानते हो उसके बाद क्या हुआ था? ए क्या मनीषा, कहीं उस देवदास ने तेरा दिल तो नहीं चुरा लिया? पता नहीं यार, पर लग तो ऐसा ही रहा है। सच कह रही है क्या? जिस दिन उसने मुझे प्रपोज किया था उसी दिन दिल आ गया था। बस डर था कि कहीं टाइम पास ना कर रहा हो, पर उसके भोलेपन ने मेरा दिल जीत लिया है। ही इज रियली नाइस। फिर इतना ड्रामा क्यों किया, उसी वक्त बोल देना था ना। अभी तो बस प्यार की शुरुआत हुई है, और इस प्यार के लिए उसे और पापड़ बेलने पड़ेंगे। आगे आगे देखो होता है क्या। और उस दिन तुम्हारे ही स्टाइल में तुम्हें गिफ्ट वापस करना। कुछ नहीं सुनना, कुछ भी नहीं सुनना। मैंने कहा ना कुछ नहीं सुनना। उस दिन तेरी बारी थी, आज मेरी बारी, इसलिए अपना मुंह बंद रख। मैंने कहा ना चुप कर। पर वो चुप, ये ले अपना गिफ्ट ले और चुपचाप निकल ले, चल जा। अरे लेकिन कहा ना चुप कर, चल निकल। तुमने अब तक नहीं देखा उस गिफ्ट में क्या है? क्या कहीं तुमने उस गिफ्ट को फेंक तो नहीं दिया? गिफ्ट व्हाट ब्रदर, तुम शिनू को क्विक लेकर आओ, गॉट इट ना? तुम चलो मैं आ रहा हूँ। क्या गोची कर रहे हो? कुछ नहीं भांजे, तुम चलो मैं आ रहा हूँ। मामा श्री, ए क्या हुआ? हेलो टॉयलेट जाना है? अरे सीनू, अरे लुक लुक, अरे मेरी देह में दबंदी भी नहीं बती। ए कचरपट्टी कलमोही, मेरे साथ डोंट टॉक टू मच। तो क्या कर लेगी? हाँ बेशरम लोग, आदमी लेटर भेजता है और बीवी साहूकारी करती उन्होंने है। उन्होंने मुझे आज तक लेटर राइट नहीं किया, तुझे क्या सेंड करेंगे? बकवास मत कर ज्यादा, खुद को मिस इंडिया समझती है क्या? भीख मांगने के लिए फेंकी है? हाय हाय, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे मामा कहाँ पे? मामा कहाँ पे? नाउ कंटिन्यू। अरे तो ये गिफ्ट कवर क्या मेरी मरी सास लेकर आई थी? बड़ी शरीफ बन रही है, आदमी इधर उधर मुंह मारता है और तू यहाँ खड़ी उसकी गंगा लग रही है। मैं सब समझती हूँ, और तो और उसने ग्रीटिंग कार्ड भी भेजा है, आई लव यू लिखा है, ले खुद पढ़ ले तू। अरे वो तो मैं हूँ, इसलिए तेरे मर्द की तरफ नहीं देखा, कोई और होती ना तो लेके फुर्र हो गई होती उसे। फोन नंबर भी लिखा, बेचारी मुझसे मिलना चाहती थी पर मैं ही उसका इशारा समझ नहीं पाया। अभी फोन करके देखता हूँ। हाय। अरे अगर मुझसे प्यार करती थी तो सीधा सीधा क्यों नहीं कहा? क्यों, फ्लर्ट करना सिर्फ लड़कों का आता है, लड़कियां फ्लर्ट नहीं कर सकती। जैसे तुमने मुझे प्रपोज किया वैसे मैंने कर दिया। गिफ्ट देखा तुमने शिनू? हाँ। आई लव यू। हेलो हेलो, हाँ सॉरी कट हो गया था। पर मैंने तो अभी कॉल किया। कौन बोल रहा? अरे मैं कोमल बोल रही हूँ। हाँ बोलो क्या हुआ? सॉरी सगाई वाले दिन ठीक से बात नहीं हो पाई। मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि मैं बहुत लकी हूँ। सब फ्रेंड्स ट्रीट मांग रहे हैं, इस सैटरडे हम मिल सकते हैं क्या?
एक सेकंड जरा होल्ड करना। हाँ बोलो मनीषा। क्या हुआ, मेरे आई लव यू कहते ही तुम चुप क्यों हो गए? चुप क्यों हो गया? वो नेटवर्क प्रॉब्लम। तो अब बोल दो ना। क्या बोलना है? वही जो मैंने कहा, आई लव यू। मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? इतना भी नहीं समझते बुद्धू? नहीं समझा। किस तो ना? फोन पे? हाँ। मनीषा एक सेकंड होल्ड करना। कॉन्फ्रेंस लग गया। हेलो 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 इस रूम की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया फोन को काट दें और तीन चार साल तक बिल्कुल फोन ना करें। हेलो 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 फोन काटो फोन काटो फोन काटो फोन काटो फोन काटो फोन काटो फोन काटो। हेलो हेलो कौन फंस गया? हेलो जी हेलो तुम लाइन पर हो? हेलो हेलो नहीं हो सकता, इम्पोसिबल, ऐसा शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। हाँ निकल निकल, भांजे की शादी करवाना चुटकी बजाने का काम है, याद रखना। मैं शीशे से पत्थर को तोड़ सकता हूँ, नो मेंशन नॉट। फोन रख, मैं कर रू कमाल, सीधी कर दू सबकी चाल। हाँ बेटा, स्लोली स्लोली स्लोली। अच्छा बहन जी चलती। अच्छा लगा आप लोग आए तो। हाँ। हमेशा ऐसे ही कमिंग। हाँ। नमस्कार। मॉर्निंग हाँ। से कहाँ लॉस्ट हो गए थे, अंदर से वरी हो रही थी ना। चलो खाना खा लो। अरे बस थोड़ा टहलने हाँ? गया था। ये विलेज नहीं टाउन है, आवारा सांड की तरह मत घूमो। कैरेट का हलवा बनाए आके ठूस लो। आया मेरी प्यारी बहना, बनाए गाजर का हलवा, आऊं मैं दौड़ा दौड़ा खाने के लिए हलवा। ये गिफ्ट तो मैंने पड़ोसी के घर में फेंक दी, थी यहाँ कैसे आ गई? हाथ में घड़ी भी टोसी की है। ऐसा क्यों किया मामा? मेरी घड़ी पुरानी हो गई थी ना भांजे, इसलिए मैंने नई वाली ली। मना किया था ना जाल मत बिछाओ। जो हुआ सो हुआ, अब जाने देना भांजे। कहा था बुरे फंसोगे। भांजे मैं तेरा मामा हूँ ना। तुम कंस मामा हो और मैं तुम्हारा वध करने वाला हूँ। खुद तो गधा है, ये मेरे बेटे को भी गधा बना दिया इस गधे ने। अच्छा खासा मेरी लड़ाई क्लियर होने वाली थी, मुझे सगाई के चक्कर में टकला मत छुपाओ, आज तुम्हारा टकला फोड़ के रहूंगा। अरे कोई इस तरह मारता अपने मामा को भला? मेरी टांग टूट सकती थी, इस चांद पे दाग पड़ सकता था। इस चांद को पहले ग्रहण लग चुका है, किसने बोला था मेरी लव लाइफ में टांग लाने को? किसने सोचा था इस निखट्टू लड़के से कोई लड़की प्यार कर सकती है? मतलब सपने में भी नहीं सोचा। निखट्टू नल्ले तुमो। क्या क्या क्या? अब तुमने मुझे उंगली की मामा, इसलिए गुस्से में मुंह से निकल गया। अरे अब ये रोना धोना क्यों कर रहे हो? काम तो मेरा खराब किया है तुमने। तुच्छे से प्यार के लिए अपने मामा की बेइज्जती करता है। क्या बोला? तुच्छा सा प्यार तेरे तो? अरे मेरी ढाल कहाँ है? छोड़ दूंगा। लड़की का प्यार मिलना अमेरिका का वीजा मिलने से भी ज्यादा मुश्किल है, और तुम मेरे इंटरनेशनल प्यार को तुच्छा बोल रहे हो। भांजे छोड़ दे। भांजे बात में दम है। पता है शादी के वक्त 4 से 5 हजार लोग आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, लेकिन डिवोर्स लेने के लिए 4 से 5 लोगों में काम चल जाता है। जरा सोच तेरे प्यार को जानने वाले कितने लोग हैं, 4 या 5? वैसे सोच घटिया है पर मेरे काम आ सकती है। करवाऊंगा मैं, तुड़वाऊंगा भी मैं। कैसे? फोन के ऊपर? शादी के दिन। मामा कुछ ऐसा करो कि बस मेरी ये सगाई ही ना हो। सगाई तोड़वाना इतना आसान नहीं है, इसमें 2 परिवार शामिल होते हैं। तू अपना प्यार कंटिन्यू रख, मैं मामला बिगाड़ने के लिए गोटियां फेंकता हूं। ना कोई गवाह होगा और ना कोई सबूत। नेताओं की तरह खोखले दावे दे रहे हो या वाकई कोई कड़क प्लान है? बस प्यार के पेच रखना। पक्का? हाँ। हाय फोन कट गया था। फोन में बैलेंस नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, हमेशा मैं ही कॉल करती हूँ। सॉरी। अच्छा आज मिले? हाँ मिलते ना, रेस्टोरेंट में मिले 5:30 बजे। ओके मैं पहुंच जाऊंगा। अरे जाना मामा। या तो पीछे भागेगा या दूर भगाएगा।